হিন্দি কতজন বুঝতে পারি না কতজন আছি হিন্দি বুঝতে পারি না একদম একদমই হিন্দি বুঝতে পারি না এই কজন তাই তো একটু একটু বুঝতে পারি কতজন হিন্দু বেশি বুঝতে পারি আর একটু একটু বুঝতে পারি আর বাকির হিন্দিরা বুঝতে পারি কতজন আচ্ছা তাহলে চেষ্টা করব আমি মেজর হিন্দিতে বলার আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু বাংলা আপনাদের সঙ্গে কথা বলার সো আজকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন বেসিক্যালি তারা একজন বিজয়ী অ্যাচিভার্স অ্যাচিভার্স মানে আপনারা কিছু একটা লড়াইয়ের অংশগ্রহণ করেছেন এবং সেই অংশগ্রহণের পরে একটা জিদ হাসিল হয়েছে তার কারণে আপনারা এখানে উপস্থিত সো তাদেরকে আমরা বলি বিজয়ী अचीवर्स जो लोग कुछ मकाम पाने के लिए हासिल करने के लिए थोड़ा कुछ लड़ाई लड़ लेते हैं इसके बाद जो जीत होता है उस जीते हुए लोगों के साथ जो प्रोग्राम होता है वो है अचीवमेंट प्रोग्राम सो यू ऑल पीपल आर आवर अचीवर्स सो मेरे तरफ से आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि एक बहुत बड़ा अचीव करके आप यहां पहुंचे हो सो बिग हैंड्स फॉर मी एवरी वन ओके थैंक यू सो माई डियर फ्रेंड्स मेरा टाइम है ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा इसके बाद प्रोग्राम और भी कंटिन्यू चलेगा मेरा जो कहना है सुबह से लेकर शाम तक मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं एक आम आदमी माफिक मैं कोशिश करता हूं आपके साथ बात करने के लिए बेसिकली आज जो मीटिंग यहां होने वाला है जो डिस्कशन यहां होने वाला है जो डिस्कशन यहां होगा उस डिस्कशन क्या है क्या हमारा सक्सेस कैसे मिल सकता है हमको सक्सेस कैसे मिल सकता है उसके ऊपर हमारा प्रोग्राम रहेगा और आप सभी लोग इसीलिए यहाँ आए हैं दीघा ट्रिप मिल गया ऐसा बोल के नहीं ये आपका आखिरी मीटिंग नहीं है ये आपका शुरुआती मीटिंग है क्योंकि यहाँ से आपका शुरू हो रहा है जिंदगी सो so, जिंदगी का एक पार्पास होना चाहिए सभी का मेरा भी एक पार्पास था और पार्पास आज भी है हमारो किच्छू इच्छा आपन संगे अपने हम तो इच्छा आज दीघाते दीघाते हमें इसे एक तो आनंद फूर्ति करी चले जाब कि तो बेसिकली हमार अपन के बोली तेलो बुझते प एवं इच्छे संगे अपने इच्छा निश्चय अनेकटा मिले कारण जीवन अनेकटा समय पेर चले एस हमारे जो व्यक्तिगत जीवन अपना जाने अगर आप जानना चाहते हो मेरा जो निजी जिंदगी उस जिंदगी के कारण आज फियोना हरबल है क्यों मैं फियोना हरबल में हूँ क्यों मैं फियोना हरबल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया उसका रीजन क्या है उसका रीजन है मेरा खुद का जिंदगी इतना गर्मी कारण नहीं है घर में सो नहीं पा रहा हूं ऐसा आपका भी घर का किसी का किसी का हालत है और घर में कोई खिड़की नहीं था जब मेरा दो साल तीन साल जब उम्र है तब मैंने देखा घर में कोई खिड़की नहीं है ऐसा घर मिट्टी का बना हुआ घर एक गांव का अंदर घर मेरा मम्मी एक बार हमको हवा कर रहा है पंखा लेकर एक बार पापा को हवा कर रहा है एक बार खुद को हवा दे रहा है ऐसे मैंने देखा खाना खाने का जब टाइम होता है एक साथ पांच आदमी बैठकर हम लोग खाना खा नहीं सकते थे दो आदमी बैठे कर खाना खाएगा इसके बाद फिर दो आदमी बैठेगा इसके बाद और दो आदमी और कोई आदमी अगर है तो वो बैठे के खाएगा ऐसे मैंने देखा है मैंने मेरे माँ को वो कपड़ा को सील कर कांथा बनाना मैंने देखा हूँ मेरा जो बिस्तर है उस बिस्तर ऐसे है अगर तीन आदमी उस बिस्तर में चढ़ जाएगा वो टूट जाएगा ऐसे मैंने देखा है ऐसे मैंने देखा है सो तो जिंदगी में आप भी ऐसे कुछ कुछ चीज़ को देखे हैं जब मैं इस चीज़ को देखा हूँ जब मैं स्कूल में गया था स्कूल का टिफिन नहीं था क्योंकि टिफिन में जो मेरे को दिया जाता था वो है मूडी मेरा प्रेस्टिज होता था जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई करता था उसमें सबके सामने वो मूढ़ी निकल कर खाना मेरे को इज्जत में थोड़ा कष्ट होता था तो इसीलिए मैंने माँ को माना कर दिया था जो मेरे को टिफिन ज़रूरत नहीं है मेरे को भूख नहीं लगता है तो सब दोस्तों का थोड़ा थोड़ा करके टिफिन टुकड़ा टुकड़ा लेकर मैं मतलब वही मेरा टिफिन था क्यों क्योंकि मेरे को वो अच्छा नहीं लगता था जो दादा का जो पैंट है दादा का जो शर्ट है उसको सिलाई करके वो मेरा पैंट मेरा शर्ट दादा का किताब मेरा किताब दादा का टिफिन बॉक्स मेरा टिफिन बॉक्स दादा का स्कूल का जो बॉक्स है वो तोड़ा फोड़ा टूटा फूटा वो मेरा बॉक्स है ये मैंने देखा है और ये करते करते जब मैंने पढ़ाई को ग्रेजुएशन तक तो लेकर आया तो ग्रेजुएशन मेरा कलकत्ता में था फाइव हंड्रेड रुपीज उस टाइम में मेस का खर्चा था फाइव हंड्रेड रुपीज और मेरे को घर से मिलता था फोर हंड्रेड रुपीज एक सौ रुपया उधार कहाँ से मिलेगा वो तुम्हारा जिम्मेदारी है कैसे खाना खाओगे कॉलेज कैसे पढ़ोगे किताब कैसे लेकर आओगे वो तुम्हारा जिम्मेदारी है ये मैंने देखा है शायद मेरे जैसा आप लोग भी देखे हो ये सुन लो देखते भी हो तो ये देखने के बाद मेरे को जो लगा भाई मेरा जिंदगी ऐसा क्यों है क्यों मेरा ऐसा जिंदगी है क्यों ऐसे कट रहा है और क्यों कब तक कटेगा ऐसा कौन जिम्मेदार है ऐसा सो so, जब मैं क्लास थ्री स्टैंडर्ड में जब था तब मेरा पिताजी मेरे को सिखा रहा था दूसरा अक्टूबर गांधी जी का बर्थडे उसके जीवन पर कुछ बात बोलो तो तब जाकर मेरे को पता चला गांधी जी उम्र में वो लंदन में जाकर बैरिस्टरी पास किया गांधी जी लंडन में जाकर बैरिस्टरी पास किया और वापस आकर वो अफ्रीका चला गया प्रैक्टिस करने में देश हमारा कितना दिन स्वाधीन हुआ सेवेंटी सेवन ईयर्स हाँ कि नहीं? नहीं, नहीं सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सिक्स ईयर्स मतलब सेवेंटी सिक्स ईयर्स देश आजाद हुआ उससे पहले गांधी जी लंडन गया था मतलब और भी तीस साल पहले चालीस साल पहले So, कुल मिलाकर 100 साल पहले भारत से एक आदमी विदेश पढ़ने गया था भारत का एक आदमी विदेश में पढ़ने गया था क्या बैरिस्टरी और देश स्वाधीन हो गया और हम ये बात कर रहे हैं सौ साल बाद क्या यहां जो भी आदमी बैठा है आपका घर में कोई भी आदमी विदेश में पढ़ने गया तो वो गांधी जी नहीं बनेगा तो आप गांधी जी बनोगे ये मेरे को ख्याल आया जी एक आदमी उस टाइम में विदेश में पढ़ने गया और इसीलिए वो आकर बापू बना और इतना सौ साल जाने के बाद भी हमारा घर में अभी तक कोई विदेश में पढ़ने तो दूर की बात है पासपोर्ट भी नहीं है तो ये जिंदगी आपको मिला आपका दो रास्ता है एक तो सुसाइड कर लो भाई तुम्हारा राम नाम सत्य हो गया भाई मैं ये जिंदगी मंजूर नहीं करता हूँ सुसाइड होता है ना गर्लफ्रेंड नहीं मिला सुसाइड कर लिया नौकरी नहीं मिला सुसाइड कर लिया सो तो आपके पास एक रास्ता है सुसाइड करो भाई आज ही कहानी खत्म ये दुखी जिंदगी ये जो टूटा फूटा जिंदगी ये जो सुबह से शाम तक पैसा के बारे में चिक 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 ये बंद हो जाएगा आपका गांव वाला आपका पूछता नहीं है क्योंकि सेक्रेटरी दूसरे कोई है पूजा का प्रेसिडेंट आपको नहीं बनाता है क्योंकि आपके पास वो माल नहीं है वो पैसा नहीं है आपका माँ बाप का कोई इज्जत नहीं है उस सोसाइटी के अंदर ना तो आप माँ बाप पंचायत प्रधान है ना तो मिनिस्टर है ना तो डॉक्टर इंजीनियर कोई है एकदम तो आम आदमी है और उसका बेटा आप हो उसका बेटी आप हो तो आपका क्या गुना है भाई आम आदमी घर में पैदा होने के लिए अब तो पैदा हो गया आप तो वापस नहीं जा सकते हो नहीं सर मैं मेरे को पसंद नहीं है मेरे को शाहरुख खान का फैमिली चाहिए ये पसंद नहीं है मेरे को चलो वापस करो वापस तो नहीं जा सकते हो तो क्या कर सकते हो तो उस टाइम मेरे पास आंसर आया समीर जो चला गया तुम्हारा पिता जो किया वो किया उसका पिता जो किया वो किया उसके पिता जो किया वो किया अभी तुम्हारा काम करने के बारी है तुम क्या कर सकते हो क्या कर सकते हो तुम और यहाँ जो लोग बैठे हो वो मेरे जैसी है आप भी क्या कर सकते हो क्या, क्या कर सकते क्या लोग बोलते हैं ना क्या उखाड़ोगे क्या कर सकते आप किसी का तीस साल चला गया किसी का चालीस साल चला गया किसी का पचास साल चला गया किसी का साठ साल भी चला गया क्या कर लिया और जो बच्चा कुच्चा है उसके अंदर क्या कर सकते हो उस दिन घर में बैठकर मैं सोच रहा था मैं क्या कर सकता हूं क्या कर सकता हूं मैं और मेरे पास कौन सा ऐसी रास्ता है जहाँ से मेरे को सब सुविधा मिलेगा घर मिलेगा गाड़ी मिलेगा फॉरेन ट्रिप मिलेगा विदेश जाने का मौका मिलेगा खाना मिलेगा प्रेस्टिज मिलेगा मान सम्मान मिलेगा मेरा पास कौन सा ऐसा रास्ता है जो मेरे को ये सब जिस दे सकता है ये मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन था क्योंकि मैं जो गरीबी देखा जो मैं तकलीफ देखा जो मैं जिंदगी देखा उस जिंदगी के कारण मेरे पास एक क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन आपके पास भी है ये सुन लो So, आप खुद को पूछो आपके पास क्या रास्ता है शायद आपका शादी हो गया दो तीन बच्चा हो गया हो सकता है लेकिन फिर भी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुआ लेकिन अगर इसी जिंदगी में अगर आपको कुछ करना होगा जो भी मिला जो भी फैमिली जो भी परिवार जो भी एजुकेशन जो भी कुछ मिला यहां से अगर आप कुछ कर सकते हो तो आपके पास रास्ता कहाँ है मेरा पढ़ाई चल रहा था एलएलबी मैं एडवोकेट पढ़ रहा था और मेरा फाइनल ईयर था 2002 पास कर गया मैंने हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करना चालू कर दिया और मेरा पास वो आंसर ढूंढ रहा हूँ रास्ता कौन सा है रास्ता कौन सा है रास्ता कौन सा है क्योंकि मेरा पिताजी सौ साल गवा दिया उसका पिताजी सौ साल गवा दिया उसका पिताजी सौ साल मतलब हजारों साल का एक गैप सौ साल का एक गैप है जो गैप अगर समीर तू पूरा कर सकता है तो तेरा आगे वाला जो जिंदगी है विदेश जा पाएगा नहीं तो तू यहां मरेगा सौ साल का टाइम कैसे मैं पूरा कर सकता हूं क्योंकि मेरा उम्र हो चुका है अगर मेरे को यह जिंदगी मिलेगा ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से मुश्किल एक सौ साल तो इस एक सौ साल में मैं क्या ऐसे करूं कौन से रास्ता ढूंढूं कौन सा ऐसा नौकरी लूं कौन सा ऐसा बिजनेस करूं मेरे पास ना तो पैसा है ना तो नॉलेज है ना कुछ भी है तो मैं कौन सा रास्ता पकड़ू यह सुन लो ये क्वेश्चन आपके पास है कि नहीं अब अगर कुछ करना चाहते हो रास्ता तो होना चाहिए कौन से रास्ते में जाओ जहां आपका सब सुविधा आप अगर जो भी स्टेट में चाहो घर बन सकता है आप बॉम्बे चाहो बंबई में घर बनेगा कलकत्ता में घर बनेगा दिल्ली में घर बनेगा ये जिंदगी होना चाहिए कि नहीं चाहिए ये मेरा सोच था ये मेरा जिंदगी है चाहो तो अभी मरो अभी मरो एकदम मेरा सामने रेल लाइन होता है मैंने काफी बार देखा लोग रेल लाइन में आकर सुसाइड कर लिया मैंने काफ़ी बार ऐसे भी हुआ डेड बॉडी हटाने के लिए कोई नहीं मिला हम लोग दोस्त जाकर डेड बॉडी को हटाया ऐसे देखा हमने लोग तड़प कर सुसाइड कर लिया मेरा पास भी आसान था भाई जहर कहाँ मिलेगा मेरे को पता नहीं रेलगाड़ी तो जाता है यहाँ से इसका नीचे चला जाओ जिंदगी खत्म हो जाएगा ये जिंदगी मेरे को नहीं चाहिए ये जिंदगी गरीबी जिंदगी मेरे को नहीं चाहिए हर हालत में नहीं चाहिए मैं नफरत करता हूं इस जिंदगी को मेरा अंदर का खून मैं किसको बोलूं ना तो मेरा पिताजी को मैं बोल सकता हूं क्योंकि वो जो किया वो किया मैं किसी को नहीं बोल सकता हूं मेरा इस दर्द मैं किसको सुनाऊं किसको बोलू क्योंकि अगर जिसको मैं दर्द बोलूंगा वो मेरा फायदा लेगा सो मेरा पास कोई रास्ता नहीं था एक दिन हैदराबाद में एक श्रेणी में मेरे को मौका मिला था कुछ जिंदगी के बारे सुनने के लिए सो so, मैंने पहले बार हैदराबाद जाकर एक नेटवर्क बिजनेस का मीटिंग का एक ट्रेनिंग में मैंने घुसा था और सुना था जे 24 फोर आवर्स इन अ डे आप 100 घंटा काम कर सकते हो 24 घंटा दिन होता है लेकिन 100 घंटा काम किया जा सकता है आप अगर करोड़पति बनना चाहते हो पाँच साल के अंदर आप करोड़पति बन सकते हो आप अगर मतलब सौ साल का मजा जिंदगी जो तुम नहीं कर पाया ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री से तुम तुम्हारा जिंदगी का सौ साल को पूरा कर सकते हो जो तुम्हारा पापा नहीं कर पाया जो उसका पापा नहीं कर पाया वो तुम इसी जिंदगी में इसी बीस साल के अंदर इसी दस साल के अंदर इसी पाँच साल के अंदर अगर चाहो तो कर सकते हो कैसे ना तो तुमको सैलरी देना पड़ेगा ना तो तुमको किसी को कमीशन बांटना पड़ेगा और ना तो तुमको पूरा दिन काम करना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम ही ऐसी है जो तुम्हारे लिए लोग काम करेगा कौन है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिस्टम कौन सा है तुम अगर अनपढ़ गवार हो तुम्हारे अंदर भी डॉक्टर टीचर लॉयर प्रोफेसर आकर काम कर सकता है मैंने ऐसा सुना क्या सुना ऐसे सुना जो मेरे अंडर कोई काम कर सकता है जो कि मेरे को सैलरी नहीं देना पड़ेगा और दिन में होता है ट्वेंटी फोर आवर्स सो चौबीस घंटे के अंदर अगर सौ घंटा मैं काम करना चाहता हूं सो so, वह भी पॉसिबल है डायरेक्ट सेलिंग में समझ में आ रहा है क्यों मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया क्योंकि मेरे को एक रास्ता मिला एक रास्ता मिला एक तो सुसाइड नहीं तो अगर तुमको इसी जिंदगी में इसी 20 साल के अंदर इसी 5 साल के अंदर अगर तुम्हारा वो जितना सारा चाहत जितना सारा ड्रीम जितना सारा इच्छा तुम पूरा कर सकते हो तो वो पाँच साल के अंदर ये प्लेटफॉर्म तुमको दे सकता है वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इसीलिए मेरा मन में ख्याल आया भाई सब कुछ छोड़ो डायरेक्ट सेलिंग में नाम लिखाओ उसमें तुम काम करो और ये करने के बाद थूथू हो गया थूथू मेरा पिताजी थूथू किया बोले तू बेकार बेटा है तू घर से नालायक तू घर से निकल जा पच्चीस साल मेरा पापा के साथ कोई रिश्ता नहीं था ट्वेंटी फाइव ईयर्स क्यों क्योंकि वो सपना देखा था उसका बेटा लॉयर बनेगा वो ऑर्डर ऑर्डर ऐसे मैजिस्ट्रेट बन के घूमेगा वो उसका सपना था लेकिन मेरा क्या सपना था जिंदगी में ऐसे कुछ करना पड़ेगा ये जो दुख दर्द ये जो तकलीफ ये जो पैसे के बारे में चिक चिक ये नहीं होना चाहिए आलीशान जिंदगी होना चाहिए जिंदगी कैसा होना चाहिए आलीशान और आलीशान जिंदगी के लिए तुम्हारा प्लेटफॉर्म तो सही होना चाहिए वो प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग मैं मेरा पिताजी को इसके बारे में समझा नहीं पाया मेरा जितना रिलेटिव है चाचा है चाची है मौसी है टीचर है प्रिंसिपल है हम लोग सेंट जी स्कूल में पढ़ाई किया था वहाँ से जो प्रोफेसर थे वो प्रोफेसर भी घर में पापा के साथ बात तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है समीर इतना अच्छा स्टूडेंट था ये था वो था सब लोगों का उम्मीद के ऊपर ये क्या कर रहा है वो ऐसा भीख मांगा बिजनेस कैसे क्यों कर रहा है वो क्या कर रहे है वो जिंदगी को पूरा बर्बाद कर रहा है आपका पापा शायद मुख से बात करता है और मेरा पापा मुख से बात नहीं करता है वो लात से बात करता है तो कितना लात मेरे ऊपर पड़ा इस कारण आप, आप सोच भी नहीं सकते हो सो उस दिन आंख आंख में आंसू नहीं आया क्यों क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं वो मेरे को मालूम है पिताजी को मालूम नहीं है मेरा जो गर्लफ्रेंड है वो छोड़ के मेरे को भाग गया सोचो मैं एग्जामिनेशन देकर वापस आ रहा हूं और मेरा गर्लफ्रेंड का शादी हो रहा है ये मैंने देखा उसका पिताजी सोचा ये नालायक लड़का है इसका जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है आपका प्यार आपका सपना आपका ड्रीम आंखों सामने टूट गया आप एक पिक्चर बनाया था जिंदगी ऐसे होना चाहिए आपका प्यार ऐसा होना चाहिए और आप देख रहे हो एक बंदे का हाथ पकड़कर आपका वो गर्लफ्रेंड चला जा रहा है आपका आंखों का सामने से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो क्यों ओनली बिकॉज ऑफ दैट आपके पास वो सुविधा वो सक्सेस वो पैसा वो करियर आपके पास नहीं है इसीलिए आपका माँ बाप मूड मुख मोड़ लिया आपका टीचर आपको बोल रहा है गलत रास्ते में जा रहा है आपका सोसाइटी एवरी लोग आपको क्या कर चीड़ा रहा है चिढ़ा रहा है आदमी पकड़ने वाला आदमी है आदमी पकड़ने वाला आदमी है आदमी पकड़ने वाला आदमी है अंदर वो ताकत ऊपर वाला दिया है मेरा ऊपर वो ताकत वो विश्वास भरोसा भगवान ने दिया है कुछ भी हो जाए चीता जाने पहले कुछ भी हो जाए कबर में जाने से पहले मेरा ये सब चीज को हासिल करके तब जाकर मैं मरूंगा तब बोलोगे भाई चला दो मेरा ऊपर गोली चला दो मेरा ऊपर जिंदगी जो भी कुछ तुम करना चाहते हो लेकिन मेरे को यह सब कुछ चाहिए आज जब आप मेरा पासपोर्ट देखोगे आप डर जाओगे कहां कहां मैंने नहीं घूमा और ऑल फॉरेन से मेरा टू ट्रैवलिंग नहीं है बिजनेस मीटिंग के लिए मेरे को बुलाया गया ऑल आर बिजनेस वीजा सोचो एक परिवार जो दीघापुरी मंदरमोनी जा नहीं पाया वो विदेश अमेरिका दो बार चला गया अमेरिका न्यू टाउन न्यू न्यूयॉर्क जो सिटी है न्यूयॉर्क वहां आसमान नहीं देख पाते हो बिल्डिंग इतना लंबा है आप ऐसे करोगे तो बिल्डिंग ही दिखाई देगा आपको आसमान नहीं दिखाई देगा वहां जब मैं जब खड़ा होता हूँ मेरा गाँव का नाम है बाजितपुर उस गाँव का जो लड़का है वो जब न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में खड़ा होता है सोचता है भाई अभी जिंदगी का मजा आया ये जो आसमान है ये जो चांद है ये मेरा गांव का नहीं है ये न्यूयॉर्क का है तब मेरे को लगता है मेरा जिंदगी जो है सफल हो गया जब लंदन में हित्रो एयरपोर्ट पे जब मैं उतरता हूँ मार्सिडीज बेच लेकर जब एयरपोर्ट में लोग खड़ा होता है मेरे को लेने के लिए तब मेरे को लगता है मेरा जिंदगी बेकार नहीं हुआ और मैंने एक बार टू फू चू कुछ नहीं किया कुछ भी होने दो कुछ भी खाने दो कुछ भी सोने दो कुछ भी पहने दो मैंने कुछ आवाज़ नहीं किया क्योंकि करने वाला कोई आवाज़ नहीं करता है करने वाला करके प्रूव करके दिखाता है मैंने काफी सारा लोगों को सुना ये देश में कुछ नहीं होने वाला है ये देश में कुछ नहीं होने वाला है तो कहां जाओ वहां जाकर करो ना बाबा अमेरिका चला जाओ वहां करके दिखाओ आप यहां पैदे हुए हो इसी घर में आप बड़े हुए हो अगर करना होगा यहां से ही करना होगा यहां से शुरुआत आपका जार होगा इसीलिए पारपास के बाहर एक भी शब्द मुख में आना नहीं चाहिए कोई आपको छू नहीं पाएगा कोई काली पूजा दुर्गा पूजा कोई ईद आपको छू नहीं पाएगा आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा आपका एक ही लक्ष्य होगा एक ही सपना एक ही गोल दीघा पूरी मनरमोनी लंडन अमेरिका चीन जापान जहाँ जाओ एक ही भाई मेरा सक्सेस चीता जाने से पहले मेरा वहाँ मेरे को अचीव करना पड़ेगा सब कुछ सुविधा जितना एक धनी का होता है सब कुछ मेरे को चाहिए ये मेरा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के लिए मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ इसी लक्ष्य के लिए मैं दिघा आया हूँ इसी लक्ष्य में दिघा वापस जाऊँगा इसी लक्ष्य में घर में मैं सोऊंगा, रहूंगा, सब कुछ करूँगा लेकिन लक्ष्य वो मेरा सामने से नज़र से हटना नहीं चाहिए अगर वो हटा तो ज़िंदगी घटा क्योंकि ज़िंदगी में और कुछ मजा नहीं है माइटर कुछ नहीं आपका अगर पैकेट में पैसा नहीं है जेब में पैसा नहीं है कुछ भी नहीं है वही है आपका सपना वही है आपका सक्सेस वही है आपका सब कुछ सो आप कर सकते हो जिंदगी और फ्यू हर बार उसके लिए प्लेटफॉर्म सही प्लेटफॉर्म है क्यों मैं एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था जो एकदम ऑनेस्ट से ही आदमी के लिए भरोसे के लिए और वही मैं बनाने की कोशिश किया और उसके साथ आप लोग साथ दिया आपका प्यार आपका मोहब्बत जो जुनूस जुनून उस जो ड्रीम था उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आप क्या किया आप मेरे को हौसला बढ़ाया मेरे को और भी तगड़ा किया So, आपको जब मैं देखता हूं ना मेरा विश्वास और भी बढ़ जाता है यस आई एम द ट्रू लाइन आई एम दू ट्रू प्लेटफॉर्म जिस जगह में मैं जो पहुंचना चाहता था जो मैं करना चाहता था वो आप ही लोग हैं वो भी आप भी कर सकते हो क्योंकि इट्स अ विन विन सिचुएशन ये जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म में कंपनी से ज्यादा लीडर लोग पैसा कमाता है कंपनी से लीडर जो है एसोसिएट जो है वो ज्यादा पैसा यहां से कमाता है ज्यादा प्रेस्टीज ज्यादा सम्मान मान आपको मिलता है ज्यादा से ज्यादा तो इसीलिए मेरा मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है और उसके साथ साथ विटामिन का जो खोज कंपनी ने जो बनाया है वो आपका जिंदगी को सौ साल क्योंकि क्या होगा कोई भरोसा नहीं लेकिन गारंटी ले रहा है कंपनी सौ साल जिंदगी आपका जिंदगी कितना रहेगा सौ साल आप गारंटी देकर बोल सकते हो भाई किसी का हार्ट अटैक होगा मेरा नहीं होगा किसी का स्ट्रोक हो जाएगा मेरा नहीं होगा किसी का, किसी का लंग्स का प्रॉब्लम होगा मेरा नहीं होगा किसी का किडनी प्रॉब्लम होगा मेरा नहीं होगा क्यों मेरा पास विटामिक्स है मेरा पास पियोना हर्बल है आपका जीवन एक सुरक्षित हाथ में है आपका जिंदगी आपका घर का जिंदगी एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म में है मैं चाहता हूं आपका शरीर आपका हेल्थ सही हो जाए डॉक्टर के पास हॉस्पिटल के पास जाकर वो तकलीफ आपको झेलना नहीं पड़े इसीलिए एवरी सुबह मेरा जो बेटा है बेटी है माँ है पिताजी है उसको जिस तरीके से मैं समझाता हूँ बोलता हूँ एवरी सुबह आकर मैं उसी को समझाता हूँ आप लोगों को मैं नहीं समझाता हूँ मैं समझाता हूँ मेरा वो अंदर का जो आदमी है अंदर का जो मेरा जो फैमिली है उसको मैं समझाता हूँ और वो फैमिली आप ही लोग हो माई डियर फ्रेंड आप ही लोग हो सो so, फियोना हार्बल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रचेगा क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या है कोई भी चिपका दो कोई भी थमा दो कोई भी बिजनेस प्लान बोल दो हुआ कि नहीं हुआ अलग बात है लेकिन फियोना हार्बल बोल रहा है भाई पहला तुम्हारा जिंदगी है पहले तुम्हारा हेल्थ है अगर हेल्थ ठीक नहीं हुआ सो तो हम एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे हम हेल्थ को ठीक करके आगे बढ़ेंगे इसके बाद तो वेल्थ तो इसीलिए विटामिक्स जब से आया हेल्थ एंड वेल्थ दैट इज द कॉम्बिनेशन हो गया और मैं सुबह सुबह आकर जो प्रेजेंटेशन आपको देता हूँ माय डियर फ्रेंड वो मेरा निचोड़ है बीस साल का निचोड़ बीस साल का जो मैंने पढ़ाई किया बीस साल का मैं जो जाना और मेरा जिंदगी के ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ विटामिक्स आप आज खा रहे हो दो साल पहले से मैं विटामिक्स खा रहा हूँ और आने वाला एक साल बाद दो साल बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरा ऊपर मेरा खुद का ऊपर घर का ऊपर फैमिली का ऊपर अगर वो मेरा घर के ऊपर रिजल्ट देगा मेरा जिंदगी ऊपर अगर रिजल्ट देगा तब जाकर मैं आपको वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करूँगा सो so, माय डियर फ्रेंड्स इसमें क्या साइंस है मैं नहीं जानता हूँ इसमें क्या विज्ञान है क्या टेक्नोलॉजी है मैं नहीं जानता हूं मैं जानता हूं इसके अंदर प्यार है मोहब्बत है इसके अंदर जोश है जुनून है क्योंकि जिंदगी में जाना जाता है ज़िंदगी में आगे, आगे आपको अगर बढ़ना होगा प्यार मोहब्बत के साथ बढ़ना होगा ज़िंदगी इसके बाहर नहीं है आज इस बिजनेस के साथ जो भी सक्सेसफुल होना चाहते हो आपके अंदर प्यार होना चाहिए मोहब्बत होना चाहिए किसके प्रति आपके प्रति घर के प्रति तब जाकर आप बिज़नेस कर पाओगे क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपका ये बॉडी मदद नहीं करेगा ये बॉडी का सबसे बड़ा तकलीफ क्या है बोले तो बॉडी को खाना और सोना इसके बाहर कुछ नहीं आता है इसको खाने दो ये खा लेगा इसको सोने तो सो जाएगा क्योंकि आज तक इस बॉडी के अंदर यही प्रैक्टिस है खाना और सोना लेकिन करोड़पति बनने का जो अभ्यास है करोड़पति बनने का जो रास्ता है ये आपको पता नहीं है आपका फिजिकल बॉडी में पता नहीं है कैसे करोड़पति आप बन सकते हो आप मन में चाहते हो सो मन का चाहत फिजिकल बॉडी में क्या करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा प्रैक्टिस में डालना जैसे स्विमिंग सीखते हैं थोड़ा थोड़ा करके जो लोग गाड़ी चलाता है वो किससे गाड़ी चलाना सीखता है जो गाड़ी नहीं चलाया ऐसे तो नहीं है जो गाड़ी चलाया उससे वो सीखता है मान लो किसी को आपको बोला जाएगा आप लोग हेलीकॉप्टर जाना चलाते हो पर मैं मन में चलाता हूँ लेकिन फिजिकल में अगर दिया जाएगा आप चला नहीं पाओगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो करोड़पति बनने के लिए क्या चाहिए? होना चाहिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रैक्टिस होना चाहिए प्रैक्टिस सो डे बाई डे डे बाई डे डे बाई डे डे बाई डे थोड़ा थोड़ा करके जब हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे तब जाकर हम लोग धीरे धीरे करोड़पति बनेंगे नहीं तो क्या होगा एक दिन ट्राई करके छोड़ देंगे तो नहीं होने वाला है और फ्यून आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आप करोड़पति नहीं बनेंगे जब तक आप सौ साल जिंदगी का फ़ोन नहीं लेंगे तब तक आपको फ्योना छोड़ेंगे नहीं फियोना आपको साथ में रहेगा सो so, मेरा टाइम पूरा हो गया लगभग ओके माय डियर फ्रेंड्स मैं बार बार आपके साथ हमने आऊँगा मैं आपके साथ हूँ ऐसे कोई नहीं है मैं कोई नया ग्रहों से पैदा नहीं हुआ आपके साथ मैं हूँ आपका घर का तकलीफ आपका अंदर में जो चल रहा है वो सब मेरा तकलीफ है मैं समझ सकता हूँ उसको सो so, ये चीज मैं आपको धीरे धीरे करके अगर मेरा बात आप अगर मानेंगे मेरा साथ अगर रहेंगे वो मेरा जिम्मेदारी है आपको हंड्रेड ईयर्स वक्त तक लेकर जाना आपको करोड़पति बनाना वो मेरा जिम्मेदारी है तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा आपको सो so, आपको मैं करोड़पति बनाऊंगा और आपको मैं सौ साल का आपका घर का सभी लोगों का जिंदगी में देने के लिए जो भी कुछ करना चाहिए वो मैं करूंगा और आप मेरा साथ हो और मैं भी आपके साथ हूँ सो so, चलिए हमारा मीटिंग और कंटिन्यू चलेगा थैंक यू एवरी सब लोग अच्छा रहिए और वी शू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ थैंक यू थैंक यू मंत्री सर